त्रिपुरा डुमरी विधानसभा से बेसी किसी विधानसभा में विकास नहीं हुआ होगा जितना विकास यहाँ हुआ है। इतना काम किया है जो मैंने कहीं मैंने 4 इंच भी जगह खाली नहीं है। ये लोग बोल रहे 24 में 1 लाख पार और इधर एगो आए हैं बोल रहे 2 लाख पार। कैसे 2 लाख पार हो जाएगा, मतलब मुंह से पार हो जाएगा? स्टेज में जो आदमी रहेगा वो मंच पर भाषण दे सकता है, सब दिखावा है। अच्छा। सारा चीज दिखावा है। और यहाँ जितने लोग भी आए हैं सब एक एक वोटर है, वोटर एक भी बरामगढ़ और क्या कहते हैं गोला हजारीबाग का आदमी ना क्या चाह रहे कि यशोदा देवी के सभा में सब रामगढ़ हजारीबाग के टोटल गाड़ी नंबर देख लीजिए, गाड़ी नंबर देख लीजिए आप, टोटल बाहर से थे। बाहर से डुमरी विधानसभा के चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो के पश्चिमी पंचायत से अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है सभा खत्म हुआ है। सभा के बाद का देखिए कुछ ऐसा माहौल है कि लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। हम सोचे कि उनसे भी उनकी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं कि क्या माहौल रहने वाला है और उनकी चुनाव को लेकर के क्या मंशा है, क्या कुछ सोच रहे हैं। पहले बताइए नाम क्या है आपका, क्या नाम है दादा आपका? भरत दास मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं आप? हम नावाड़ी प्रखंड में ही है। नावाड़ी प्रखंड में रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी जो चुनाव होने वाला है जिस प्रकार जो है बिगुल बज चुका है, आंसू की जो एक तरह से कहें प्रत्याशी है यशोदा देवी, फिर एक तरह बेबी देवी है, तो क्या लगता है कि कौन जो है कौन इस बार पल्ला किसका भारी है, किसको आप लोग वोट कर रहे हैं? पल्ला के यहाँ कहीं कोई बात नहीं है। हाँ। कम और बेसी का कोई बात नहीं है, वन साइडेड है यहाँ। वन साइडेड है। बेबी देवी 1 लाख प्लस मत से जीत रही है। जेएमएम के कार्यकर्ता इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, एक जनता किसी से भी आप पूछ लीजिए आपको यही रिपोर्ट मिलेगा। और विशेष करके हम लोग दलित परिवार से हैं, जो सम्मान हमको इस पार्टी ने दिया है किसी दूसरे पार्टी ने नहीं दिया। भूल जाइए एक बार के लिए कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, व्यक्तिगत रूप से बताइए कि डुमरी विधानसभा के लिए जो है खास करके जेएमएम या जगन्नाथ महतो ने कितना काम किया? कहा हम अगर हम कहेंगे भैया तो 1 महीना में भी बखान खत्म नहीं होगा। पुल पुलिया क्या क्या बोला जाए, जितना विकास हुआ है हमको लगता है कि शायद ऐसा विकास और जिंदगी में कभी नहीं होगा। और किसी विधानसभा हमको लगता है हमारा डुमरी विधानसभा से बेसी किसी विधानसभा में विकास नहीं हुआ होगा जितना विकास यहाँ हुआ है। ऐसा बात है क्या चाचा, ठीक बोल रहे हैं? एकदम बिल्कुल ठीक है। इतना काम किया है जो मैंने कहीं मैंने 4 इंच भी जगह खाली नहीं है। क्या मतलब मान लिया जाए कि 24 में जो है बेबी देवी एकदम 1 लाख कितना वोट ला रही है? 1 लाख पार करेगी, उसमें लिमिट नहीं है। क्या 1 लाख पार? 1 लाख पार हमारे 24 में 2 लाख पार। ये लोग बोल रहे 24 में 1 लाख पार और इधर एगो आए हैं बोल रहे 2 लाख पार। कैसे 2 लाख पार हो जाएगा, मतलब मुंह से पार हो जाएगा? नहीं, कर्म से। क्या कर्म है? कर्म विकास, विकास बेबी देवी का विकास। हमारे जगन्नाथ महतो जी अमर रहे, जो उन्होंने जो काम किया वो पूरी डुमरी विधानसभा के नौजवान को एक ही जानकारी है। आप तेलो के हैं, तेलो निवासी? नर्रा डुमरी विधानसभा से नर्रा पंचायत के हैं, लेकिन जो डुमरी विधानसभा के विधायक जी जो थे जगन्नाथ महतो जी, जो अभी उनका कोरोना काल में निधन हो गया, बहुत दुखद की बात है, वो अमर रहे, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो अभी तक किसी विधानसभा के उम्मीदवार नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। वो बहुत क्या बोले। अच्छा, उनका बेटा यशोदा देवी का बेटा का नाम जानते हैं? प्रदीप महतो। हाँ, वो बोल रहा था अपने भाषण में कि भैया आप लोग 20 साल जो है उनको मौका दिए, एक बार हमको दे दीजिए। हाँ देखिए, इमोशनल ड्रामा बहुत कुछ हो सकता है। इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं? इमोशनल ड्रामा बहुत कुछ हो सकता है, इमोशनल ड्रामा हमें नहीं चाहिए। अगर यदि जगन्नाथ महतो जी अब निधन हो गया, वो अमर रहे, अगर यदि वो गलत कार्य करके गए होंगे, वो डुमरी विधानसभा के कार्य करके नहीं होंगे, तो जनता बखूबी जवाब। काम के नाम पर वोट देगी ये बोल रहे हैं आप? काम हुआ है इसलिए वोट करेगी, इसलिए नहीं कि जगन्नाथ महतो जो है दिवंगत हो चुके हैं? क्या कुछ बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? नहीं, बोलना यही है कि उनके बेटे के बारे जो आपने बात की जी। वो कहते हैं कि थर्ड स्टेज में जो आदमी रहेगा वो मंच पर भाषण दे सकता है, सब दिखावा है। अच्छा। सारा चीज़ दिखावा है। और हम लोग इस बार मैंने वन साइडेड हैं। तो देखे आज ये बेबी देवी का बेटा जो बोल दिए कि उनको अगर इलाज का जरूरत पड़ेगा तो वो लोग भी कराएंगे इलाज, एकदम 100%। बहुत कितना मन में क्या श्रद्धा उनका है, कितना बड़ा सोच है, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। और यहाँ जितने लोग भी आए हैं सब एक एक वोटर है, वोटर एक भी बरामगढ़ और क्या कहते हैं गोला हजारीबाग का आदमी ना क्या चाह रहे कि यशोदा देवी के सभा में सब रामगढ़ हजारीबाग के टोटल गाड़ी नंबर देख लीजिए आप, टोटल बाहर से थे। बाहर से। और यहाँ जितने भी लोग हैं सब हमारे लोग। ये कोई तर्क है?
अभी यहाँ बोल देंगे कि लोग बाहर से आए थे तो मान लीजिएगा, आप देख लीजिए गाड़ी के नंबर एक एक चूच देख लीजिए, आप अपने आँख से एक एक गाड़ी नंबर देख लीजिए, एक भी बाहर का आदमी नहीं है, सब वोटर है, वोटर सारे वोटर यहाँ पहुँचे, टोटल 60 वोटर। विधानसभा का कहीं भी कोई हो, जनसभा हो, कुछ भी हो, लेकिन डुबरी विधानसभा के लोग ही जवाब देंगे और वो समय पर दिखाया जाएगा। देखिए ये तो जो है अभी चुनावी सभा चल रहा है और इस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो वक्त 5 सितंबर होगा जब ये इनकी बात जो है वो असलियत में तब्दील होती है या नहीं होती है, ये आपको 5 सितंबर को चुनाव होने के बाद 8 सितंबर को जो मतगणना होना है, मतलब जो 8 सितंबर को जो रिजल्ट आना है, मतों की गिनती होनी है, ये उस वक्त जो है आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी ये समझना है कि डुमरी के विधानसभा के क्षेत्र में जो डुमरी विधानसभा निवासी है उनका मत क्या है, उनका मत द फॉलोअप की टीम जो है आपको वक्त वक्त पर समय समय पर जो है आप तक पहुंचाते रहेगी। तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा, शुक्रिया।